Samsung Galaxy A34 versus MI11X। तो गाइज आज मैं करने वाला हूँ इसी दोनों फोन का कैमरा टेस्ट, कैमरा कंपैरिजन, इंडोर आउटडोर, बहुत सारे फोटोज और वीडियोस मैंने क्लिक की है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि इन दोनों में से किसका कैमरा क्वालिटी बेस्ट है। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखे रहे, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक पहुँचाते रहे। हेलो वेलकम दोस्तों, मैं हूँ किशोर, आप देख रहे हो राजा बीट्स। तो आइए चलिए देखते हैं। दोस्तों ये हमारे पास Samsung Galaxy A34 और MI11X। तो गाइस बात करते हैं पे Samsung Galaxy A34 की, तो यहाँ पे आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है जहाँ पे प्राइमरी कैमरा लगा हुआ है 48 मेगापिक्सल का प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल। और गाइस बात करते हैं पे MI11X की, तो यहाँ पे भी आपको सेम ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है जहाँ पे सेम 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिल जाता है प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल। और गाइस बात करते हैं पे दोनों ही फोन के फ्रंट साइड की, तो यहाँ पे आपको Samsung Galaxy A34 के अंदर एक 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। और गाइस बात करते हैं पे MI11X की, तो यहाँ पे आपको एक 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। तो गाइस जैसे ही इस दोनों फोन का आप कैमरा ऐप ओपन करते हो तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स इस सभी फीचर्स को यूज करते हुए इसे मैंने काफी सारे फोटोज और वीडियोज क्लिक किए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि इन दोनों में से किसके कैमरा क्वालिटी बेस्ट है। वैसे वीडियो के लास्ट में मैं मेरा ओपिनियन भी देने वाला हूँ कि मुझे पर्सनली इन दोनों में से किसका कैमरा क्वालिटी बेस्ट लगी। तो आइए चलिए देखते कुछ फोटोज एंड वीडियो सैंपल। तो दोस्तों ये जो वीडियो देख रहे हो मैंने इसी MI11X और इसी Samsung Galaxy A34 के फ्रंट कैमरे को यूज करते हुए क्लिक किए, यानी कि इन दोनों में से एक स्मार्टफोन से आप ब्लॉगिंग या करते हो तो इसका ऑडियो और वीडियो क्वालिटी जो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाती है। तो फ्रेंड्स आपको इन दोनों में से किसके कैमरा क्वालिटी बेस्ट लगी कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों
अभी जो अपने फोटोज एंड वीडियो सैंपल देखे, मैंने इसी सैमसंग गैलेक्सी A34 और इसी MI 11X के फ्रंट और रियर कैमरे को यूज करते हुए क्लिक किए थे। तो गाइज आपको इन दोनों में से किसके कैमरा क्वालिटी बेस्ट लगी कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और दोस्तों बात करते हैं मेरे पर्सनल ओपिनियन की, तो मुझे पर्सनली सैमसंग गैलेक्सी A34 के कैमरा क्वालिटी अच्छी लगी। यू नो आपको भी इन दोनों में से किसी एक स्मार्टफोन को जो फिलहाल बाय करना है स्पेशली कैमरे के लिए, तो यू शुड बाय सैमसंग गैलेक्सी A34। बट चॉइस इज योर्स, हो सकता है किसी किसी को MI का फ़ोन भी अच्छा लगे तो वो भी ले सकता है, बट मैंने मेरा जो हॉनेस्ट ओपिनियन था वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मैं रोजाना ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय बाय फ्रेंड्स।